नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइट। और इनसाइट में हम चर्चा करेंगे भारत और श्रीलंका की मैत्री के। जी हां, आस्था का कुंभ चल रहा है उज्जैन में। सिंहस्थ कुंभ में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और इन श्रद्धालुओं में एक नाम जुड़ गया है श्रीलंका के राष्ट्रपति का। जी हाँ, वहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम है सिंहस्थ कुंभ को लेकर, वहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। उसके बाद वो आस्था की डुबकी भी लगाएंगे सिंहस्थ कुंभ में। आस्था की ये डुबकी भारत और श्रीलंका की मैत्री को कितना मजबूत बनाएगी, इसी पर है हमारा आज का इनसाइट। जी, हमारा इनसाइट आस्था और मित्रता, और इस पर हम चर्चा करेंगे अपने सहयोगियों के साथ, अपने खास मेहमानों के साथ। और उनका परिचय मैं करा देता हूँ। श्रीराम चौलिया जी हैं, डीन जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आपने मुद्दा तो सुन ही लिया होगा, जिस तरीके से एक के बाद एक जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लगातार जो है भारत के दौरे पर आते हैं, और भारत के दौरे पर ही नहीं आते बल्कि जो है यहाँ पर जो कह सकते हैं कि आस्था में जो आस्था का जो संबंध है उनका भारत और श्रीलंका के साथ संबंधों के साथ, उसका जो है कहीं ना कहीं जो है वो लगातार इस्तेमाल करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। अब जो है राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना जो हैं सिंहस्थ कुंभ में पहुंच रहे हैं और वहां पर जो है कार्यक्रम में शिरकत तो कर ही रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो सार्वभौम अमृत संदेश आज दे रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसमें शिरकत कर रहे हैं। और बाद में वो जो है शिप्रा नदी में जो है आस्था की डुबकी भी लगाएंगे। ये आस्था की डुबकी कितना प्रगाढ़ बनाएगी भारत और श्रीलंका के संबंधों को, भारत और श्रीलंका की मैत्री को? जी प्रतिबिंब, वैसे तो बहुत ही पुराने प्राचीन काल से चलते आ रही है हमारी जो संबंध है, तो एक तरह से एक आधुनिक युग में उन प्राचीन संबंधों को याद कराना और उनको तरोताज़ा करना और उस पर एक तरह से मैत्री बढ़ाना, ये मोदी जी की खासियत है। ये उनकी जो सांस्कृतिक कूटनीति है जी, और पहले भी उन्होंने किया है, जैसे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के वो गंगा घाट ले गए थे कुछ महीनों पहले। तो इसी तरह एक तरह से जो भारत का जो सांस्कृतिक शक्ति है, जो धरोहर है, वो भी उसका प्रदर्शन करना चाहते हैं। और साथ साथ श्रीलंका का देखिए, ऐसा है कि श्रीलंका के जो सिंहलीज जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो आप पुराने ज़माने में चले जाएं तो उनका जो मूल है वो हमारे पूर्वी भारत से ही है, जो आज हम उड़ीसा बंगाल वगैरह कहते हैं वहीं से निकले हैं वो। और दूसरा जो कम्युनिटी है वहाँ पे तमिल जो है वासी है, माइनॉरिटी है, वो हमारे तमिलनाडु से जुड़ी हुई है। तो एक तरह से देखिए, भारत ही भारत से ही श्रीलंका पैदा हुआ है एक तरह से आप देखें जी। तो वो जो भारत आज जो बना हुआ है, जो एक नेशन स्टेट है, तो उससे भी एक मोदी जी आगे जाना चाह रहे हैं कि भारत एक सांस्कृतिक रूप में भी उसको देख जाना चाहिए। जी, जी। और ये जो सिंहस्थ कुंभ है जिसमें आए हैं मैत्रीपाला, उनके साथ साथ श्रीलंका के जो विपक्ष के नेता हैं संबंधन, वो भी आए हैं और वो तमिल नेशनल अलायंस के प्रमुख हैं, प्रमुख भी हैं। तो सिंहलीज और तमिल दोनों भी शामिल हैं, उनके जो प्रतिनिधि यहाँ पे शामिल हैं। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा मूव है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि जब इनसे मिले थे श्रीलंकन प्रेसिडेंट से, कि हम रिकन्सिलिएशन, आपके जो अंदरूनी जो भेदभाव हैं उसमें भी हम प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जंग हुई है वहाँ पे बहुत सालों से और बहुत मारकाट हुई है, और अब जाकर एक शांति की तरफ बढ़ने की कोशिश हो रही है, तो उसमें भारत के कई अपने कंसर्न्स हैं। तो एक मेरे ख्याल से सिम्बॉलिक तौर पर ये बहुत बड़ा कदम है जी। श्रीराम जी, ये जो श्रीलंका के राष्ट्रपति की जो ये यात्रा है और कुंभ में जो है वो आस्था का स्नान भी करने वाले हैं, तो ये क्या कल्चरल डिप्लोमेसी है सिर्फ, या फिर श्रद्धा भाव भी जो है कहीं ना कहीं रखती है? जी देखिए, एक जैसे निजी तौर पे तो जैसे साथी ने कहा कि होते भी हैं इनके, ये मानते भी हैं हमारे जो बल्कि अब देखिए सिरिसेना खुद बुद्धिस्ट हैं जी, लेकिन वो एक सो कॉल्ड हिंदू समागम में आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो सारनाथ भी जा रहे हैं जहाँ पे एक बहुत पुराने श्रीलंका के बड़े माहिर बुद्धिस्ट सेंट हैं धर्मपाला, अनागरी के धर्मपाल, वो 19वीं सदी में भारत आए थे और महाबोधि ये जो एक सोसाइटी बनाई थी उन्होंने, और बुद्धिज़्म को एक तरह से रिवाइव किया, और स्वामी विवेकानंद जी के साथ भी उनके संबंध थे। तो धर्मपाला के नाम पे भी एक कोई उद्घाटन करने वाले हैं आज प्रेसिडेंट सिरिसेना, तो बुद्धिज़्म भी शामिल हो गया इसमें, हिंदुइज़्म है ही।
तो एक तरह से मेरे ख्याल से बिल्कुल श्रद्धा है। और मैंने देखा है कई श्रीलंका, इवन राजपक्षा जो हमारे भारत के काफी खिलाफ, हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ चले थे, जो पिछले उनके राष्ट्रपति थे जी, पर्सनल लेवल पे, निजी लेवल पे वो भी हमारे मंदिरों में और यहाँ माथा टेकना वगैरह करते ही थे जी। तो ये है हमारा एडवांटेज। और जबकि अब बात चली है कि चीन हावी हो रहा है श्रीलंका पे और क्या हो सकता है, चीन हमारे हमसे छीन लेगा श्रीलंका, लेकिन चीन के पास ये नहीं है जो मोदी जी हमें दिखा रहे हैं आज। चीन कभी कोई कुंभ नहीं कर सकता है, वहाँ पे कम्युनिस्ट रेजिम बैठी हुई है, और उनकी जो बुद्धिज्म है वो हमारे जो दक्षिण एशिया की बुद्धिज्म से काफ़ी हटकर है चीन की, वैसे भी उन्होंने दबा के रखा हुआ है दलाई लामा वगैरह को। तो एक तरह से लोगों के पीपल टू पीपल जो सांस्कृतिक जो संबंध है वो मोदी जी मैक्सिमाइज कर रहे हैं हमारे लिए, और उसमें हमारा एडवांटेज है, क्योंकि पैसों में तो हम चीन से काफ़ी पीछे हैं। निवेश वगैरह तो चीन बहुत ज़्यादा कर रहा है श्रीलंका में, और वो शायद रुकेगा भी नहीं, क्योंकि श्रीलंका भी चाहता है वहाँ से पैसा आए उनके आर्थिक विकास वगैरह के लिए, और एक तरह से वो बैलेंसिंग गेम भी खेलते हैं जो छोटे मुल्क होते हैं हमारे पड़ोस में जी। तो हमें उस पर बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। मोदी जी का जो रवैया है कि पॉजिटिव, जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारी जो जिसमें हम आगे हैं चीन से, उस पर तवज्जो दो, उस पर ज़्यादा एम्फोसिस करें। तो मेरे ख्याल से ये जो सांस्कृतिक डिप्लोमेसी है ये ज़रूरी है। जैसे कह रहे थे कि पूरी जो दक्षिण एशिया है उसको एक अगर हमें जोड़ना है और भारत को उसका केंद्र बिंदु बनाना है, तो उसके लिए सांस्कृतिक जो डिप्लोमेसी है, सांस्कृतिक कूटनीति बहुत ज़रूरी है। श्रीराम जी, सनातन धर्म से ही जो है बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो है कुछ दूरियां जो है पैदा हो गई थी सनातन धर्म में और बौद्ध धर्म में, और क्या फिर इसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और उसका कितना लाभ जो है भारत और श्रीलंका की मैत्री को मिल पाएगा? जी हाँ, मोदी जी की पहल है कि एक बुद्धिस्ट सर्किट जो कहते हैं हम, पिलग्रिमेज सर्किट, जो नेपाल का हिस्सा आ गया, भारत के मेन सेंटर्स हैं श्रीलंका में हैं, कुछ दक्षिण एशिया के दूसरे अन्य देशों में हैं, कुछ दक्षिण पूर्व एशिया में हैं, इन सबको जोड़ के एक सांस्कृतिक एक यूनिट बनाया जाए, और इसी पे चर्चा चल रही है। टूरिज्म प्रमोशन में भी एक तो रामायण का जो ट्रेल है जिसमें श्रीलंका के श्रद्धालु आ सकें, और बुद्धिस्ट सर्किट जो यू नो, तो दोनों तरफा जो ट्रैफिक है, मूवमेंट है, वो ज़्यादा बढ़ पाएंगी। तो या ये बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि लोगों में ये बहुत विश्वास है आम लोगों पे। पिछले जो अगर आप मान लीजिए कूटनीति एक लेवल पे की जाए कि सिर्फ हम आर्थिक और राजनीतिक मामलों पे ही रुक जाएं, और संस्कृति तो खैर ऐसे ही इसका जिक्र कर लें कि हम प्राचीन सभ्यताएं और बहुत पुराने रिश्ते वगैरह वगैरह, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जैसे मोदी जी ने किया है पिछले 2 सालों में, और उसे आम लोगों के मनों में नरेंद्र मोदी जी और भारत का एक स्थान बढ़ा है जी। वो देखिए, अब पाशुपतिनाथ अगर गए वो नेपाल में, तो उससे देखिए नेपाल के साथ थोड़े उतार चढ़ाव हुए हैं हमारे रिश्तों में, लेकिन आम लोगों में एक भावना है कि भारत के प्रधानमंत्री आए हैं। और पिछले जो सरकारें थी, वहाँ के राजनेताओं ने भी कहा कि चीन जो है हमारा दोस्त हो सकता है, लेकिन जो मित्रता से अलग एक रिश्तेदारी है, एक संबंध है, वो जो है भारत के साथ जो है वर्षों वर्ष पुरानी है। जी हाँ, वो सिविलाइजेशनल जो हम कहते हैं उस लेवल पे आप देखें तो हमारी स्ट्रेंथ है। और इवन दक्षिण पूर्व एशिया में जिसको पहले इंडो चाइना कहा जाता था, कैम्बोडिया, लाओस, वियतनाम, आप देखें वहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर हैं हमारे, तो उन सब के जरिए हम लोगों के दिलों तक छू सकते हैं, लोगों के दिलों तक पहुँच सकते हैं। मोदी जी के जो संपर्क वाला जो नीति है कि जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक आउटरीच हो सके, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, पहले नहीं हुआ करती थी। क्योंकि पहले सेक्युलर गवर्नमेंट वगैरह के नाम पर कहते नहीं, हम तो मंदिरों में जाते नहीं, ना ही हम नजर आना चाहिए कहीं पे। लेकिन देखिए इसमें भी एक मोड़ है, जैसे आपने कहा शेख जायद मॉस्क गए हैं वो अबू धाबी में, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री गए हैं, मौका मिले तो गुरुद्वारा जाएंगे, गिरजाघर गए हैं वगैरह वगैरह। तो आप देखिए तो उस लेवल पे हमने एक नई तरह की डिप्लोमेसी छेड़ी है, जिसमें चीन के जैसे ज़्यादातर हमारी प्रतिद्वंद्वता चीन से हैं इस रीजन में, चीन की वो क्षमता नहीं है, वो सबमरीन भेज सकता है, और श्रीलंका ने अभी भी मना नहीं किया, कह रहे कि अब सबमरीन आ सकते हैं लेकिन भारत को पहले इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन चीन की सबमरीन अभी आ सकती है। लेकिन हमारी जो देखिए मोदी जी ये जो कल्चरल नेशनलिस्ट कहते हैं, इनका मानना है कि हम एक सिविलाइजेशनल फोर्स है, हमारा जो मॉरल फोर्स है दुनिया में उसको दोबारा कायम करें, उससे सॉफ्ट पावर बढ़ता है, जो नरम शक्ति कहते हैं ना लोग, कहते हैं अच्छा भारत बड़ा अट्रैक्टिव है क्योंकि मोदी ये सब कह रहे हैं और हमारे लिए आकर्षण पैदा होता है। चीन के लिए, चीन का जो है जो सिर्फ कारोबारी रिश्ते बन सकते हैं, सांस्कृतिक रिश्ते नहीं बना पा रहे जी। जो कार्यक्रम चल रहा है सिंहस्थ कुंभ में, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो है
अपने विचार व्यक्त कर रहे थे और सार्वभौम अमृत संदेश जो है वहाँ दे रहे थे। और उसी कार्यक्रम में जो है मैत्रीपाला सिरिसेना जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति भी मौजूद हैं और वहाँ पर जो है एक बहुत ही अच्छा संदेश जो है सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। उन्होंने कहा कि समाज के लिए काम करने वाला, निस्वार्थ काम करने वाला को किसी भी वस्त्र के, किसी भी रंग के वस्त्र पहने, चाहे वो भगवा हो चाहे और किसी रंग का वस्त्र पहना हो, अगर वो निस्वार्थ तौर पर समाज के लिए काम कर रहा है या समाज सेवा कर रहा है तो समाज के लिए शक्ति प्रदान कर रहा है, एक बात। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो संदेश है सिंहस्थ कुंभ का, उसका संदेश है सबका भला हो, तो इसी भले को, सबका भला हो और इस भले में जो है हमारे मित्र भी, हमारे पड़ोसी भी समाहित हो जाते हैं और इन मित्रों में, पड़ोसियों में श्रीलंका जो है हमारा बहुत ही नज़दीकी मित्र और पड़ोसी भी है जी। बल्कि उन्होंने साउथ एशियन गेम्स हुए थे, मुझे याद है कुछ महीने पहले मोदी जी ने कहा था कि जो सबका साथ सबका विकास जो उनका घरेलू स्लोगन है, उन्होंने कहा कि पूरे दक्षिण एशिया में भी वो वही चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास। पाकिस्तान एक अनफॉर्चुनेट अब तो केस जानते ही हैं, जो कि हमारे साथ मिलने के लिए तैयार नहीं है, पर उसे छोड़कर बाकी सभीयों के साथ एक एजेंडा चल रहा है, नेबरहुड फर्स्ट जो कहते हैं, और उसमें काफ़ी कामयाबियां मिली हैं। श्रीलंका भी एक कामयाबी कहूँगा, हालांकि ऐसा नहीं है कि श्रीलंका पूरी तरह से हमारे बच्चे जैसे वश में आ गया हो, उसका अपना डिप्लोमेसी भी रहता है रीजन में, लेकिन वो पिछले वो राजपक्ष के मुकाबले अब काफ़ी बेहतर है। और सबका साथ सबका विकास ये भी है क्योंकि अभी श्रीलंका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और भी चाहते हैं भारत से आर्थिक विकास के मामले में इन्वेस्टमेंट्स चाह रहे हैं, एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट कोशिश में है, अब देखें हो पाता है कि नहीं इस साल, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट, तो ये पिछले इससे पहले कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ करती, तो ये जो मामले हैं जिससे कि आम लोगों के रोज़मर्रा की जो जिंदगानी वो बेहतर हो सकती है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, काफ़ी जा रही हैं, तो उस सबको एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश है। श्रीलंका में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भारत के विरोधी भी होते हैं और वो हंगामा करते हैं कि ये नहीं, ये तो एक इससे दासत्व हो जाएगा और भारत हावी हो जाएगा हम पर वगैरह, लेकिन असलियत यह है कि उससे फायदा मिलता है श्रीलंका को, उनके अपने जो व्यापारी हैं, व्यापारी संगठन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उन्होंने कहा है कि इन सब चीज़ों से फायदा है। कुछ सेंटिमेंट्स हैं कि भारत के आईटी इंजीनियर्स वगैरह आ जाएंगे और हमारी नौकरियाँ चली जाएंगी वगैरह, तो ये जो मामला है मेरे ख्याल से ये कोर है अभी इस साल, क्योंकि जंग तो खत्म हो गई है वहाँ पे, एक तो रिकन्सिलिएशन है सिंहलीज और तमिल्स के दरमियान जिसमें भारत कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, देखिए संबंधन और सिरिसेना दोनों आ गए यहाँ पे, और दूसरा है आर्थिक, तो इसमें हमारी, क्योंकि चीन जो है उसमें काफ़ी आगे हैं क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा भंडार है देने के लिए, लेकिन भारत एक तरह से अपनी जो सटीक तरीके से अगर करें, हाउसिंग में हम शामिल हैं, वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशंस में शामिल हैं, टूरिज्म के बढ़ोतरी में, इवन एक्सपोर्ट जो कहते हैं ज़्यादा उनके जो एक्सपोर्ट्स हमारे आते नहीं हमारी तरफ, उसकी वजह ये नहीं कि हम उन्हें रोक रहे हैं, उनकी अब जो अपनी एक्सपोर्ट बेस है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की, उसको हमें बढ़ावा देना होगा। एक बात और है, रामायण काल की चीज़ों को लेकर, चाहे वो स्ट्रक्चर हों, चाहे स्थान हों, चाहे किरदार हों, उनको लेकर यहाँ पर ज़्यादातर चर्चा ये रहती थी कि उम्मीद हैं या असलियत हैं, लेकिन श्रीलंका ने जो है कभी भी रामायण काल से जुड़े हुए चीज़ों को, चाहे स्थान हो चाहे स्ट्रक्चर्स हों, उनको मिथ से जोड़ने की कोशिश नहीं की, और इसलिए वहाँ पर जो है रामायण काल से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर जो है पर्यटन में काफ़ी बढ़ावा आया है। लेकिन भारत में भी क्या इस तरीके का बदलाव जो है पिछले दो वर्षों में आ रहा है बुद्धिस्ट स्तूपों वगैरह की तरफ? जी हाँ, देखिए अब देखिए दोनों एक तरह से दो धाराएं जो कभी कहीं ना कहीं मिली हुई हैं, हमारी जो फिलॉसफी के लेवल पे आप देखें तो अद्वैत फिलॉसफी हैं और बुद्धिस्ट, तो काफ़ी इनमें मेलजोल हैं और इसको हमें, इसका बड़ा फ़ायदा भी मिलेगा हमें, क्योंकि जैसे एक वर्ल्ड बुद्धिस्ट कांग्रेस होता है वो भी हमने आयोजित किया है, इस तरह की जो इवेंट्स होती हैं उससे हमारा, जैसे मैंने कहा, सॉफ्ट पावर है भारत का बढ़ता है और विश्वास बहाली भी होती है। और ये जो सीज मेंटालिटी आपने कहा ना, सिंगलीज अपने आपको माइनॉरिटी समझते हैं, इसको भी मिटाने की तरफ ना ये बड़ा कदम है। सारनाथ अगर जा रहे हैं और धर्मपाला, जो एक्चुअली आप धर्मपाला का करियर देखें, जिनका आज उद्घाटन करेंगे एक मूर्ति, वो 19वीं सदी में उन्होंने बुद्धिज्म को वापसी की भारत के अंदर, पूरी जो सब कॉन्टिनेंट है, और एक तरह से जो कट्टर हिंदू अपोजिशन थी और मुस्लिम जो नेता थे उनके खिलाफ धर्मपाला ने आवाज भी उठाई थी, तो वैसे शख्सियत को अगर आज उनका सम्मान किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो सरकार है हमारी यहाँ पे, ये कोई हार्ड राइट विंग नहीं है बल्कि अब ये सेंटर है जी।
और ये दर्शाती है पॉलिटिकली भी आप देखें ये बड़ा मैसेज जाता है। बीजेपी ने ये ऑर्गेनाइज किया, आप देखिए भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, लेकिन सिम्हस्थ कुंभ में इन सब जो पड़ोसी देशों से लोगों को बुलाया है वो बीजेपी पार्टी की भी अपनी डिप्लोमेसी है जी, तो जी, ये जी। एक मेरे ख्याल से अच्छी पहल है। चर्चाएं हुई हैं दोनों तरफ से जो है, कल्चरल डिप्लोमेसी भी हुई है, लेकिन जो है बहुत सारे क्षेत्रों में जो है प्रगति होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई है, जिसमें से शायद एक रेल सेवा भी जो है तैयार करने की या जोड़ने की, समुद्री इलाके से वो भी एक घोषणा की गई थी, या एक राम सेतु से जुड़ा हुआ एक ब्रिज जो है बनाकर जो है श्रीलंका और भारत के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास जो है उसकी भी एक घोषणा की गई थी, लेकिन वो अभी ग्राउंड रियलिटी में तब्दील नहीं हुई है वो घोषणाएं। जी हाँ, एक पावर ट्रांसमिशन का भी प्लान था जिससे कि बिजली एक जगह उत्पाद हो और दूसरी जगह बेची जाए, जैसे हम बांग्लादेश और भूटान के साथ कर ही रहे हैं। जी तो जी हाँ, ये सब क्षेत्र हैं जिसमें अभी करने हैं हमें बहुत कुछ। थोड़ा सा मेरे ख्याल से ढील हमारे सिस्टम में क्यों यूं भी आ जाता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी वो उतनी तेज़ नहीं है जितनी मोदी जी हैं। मोदी जी चाहते हैं कि ई वीज़ा करा ले 100-150 देशों के साथ, लेकिन ब्यूरोक्रेसी अभी भी वीज़े आसानी से नहीं देती है। अभी भी कई मुल्कों के लोग हैं जो परेशान हैं कि ये भारत आना इतना असंभव है अभी भी। तो ये सब जो चीज़ें हैं, सेम श्रीलंका के साथ आप देख लें तो मेरे ख्याल से प्रगति तो हुई है, लेकिन जो की कनेक्टिविटी है उसमें अभी देरी है। इवन म्यांमार के साथ भी हम फंसे हुए हैं, जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बननी थी वो पीछे धकेला जा रहा है कि कब उद्घाटन होगा उसका। 2015 था, अब 16-17-18 कहा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से फास्ट ट्रैक जो है, मोदी जी का जो वादा है कि बहुत ही तेज़ चलने वाली सरकार है, हुकूमत है, उस पर ज़रूर प्रेशर है, एक चैलेंज है जो आगे अभी 2 साल उनके ख़त्म होने हैं। तो एक रिव्यू भी हम कर सकते हैं कि किस हद तक फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी हो पाई है। फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी इन्होंने एक लफ्ज़ निकाला था जब पहला जब एनिवर्सरी हो रहा था 2015 में, तो तब से लेकर ज़रूर है कि देखिए लोगों के दिलों में हम ज़्यादा फैल चुके हैं ये सांस्कृतिक माध्यम से। दूसरा आर्थिक कर ही रहे हैं, वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से वो 80% जो काम है वो कर देगी। और जहाँ तक रही मिलिट्री मामलों में, उसमें तो चीन का तो है ही प्रेजेंस, और रानिल विक्रम सिंह कह रहे हैं कि वो चीन की सबमरीन्स आती रहेंगी, लेकिन थोड़ा बहुत तालमेल बेहतर है अभी। तो हमें ये जो सेंसिटिव हैं ये सारे मामले, नेबरहुड में सारे जो छोटे मुल्क हैं वो सब चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बैलेंस और एक कार्ड रखें भारत के साथ भी निगोशिएशन के लिए, तो चीन एक कार्ड उनके लिए बन गया है। तो अब देखने पड़ेगा, देखिए इंडियन ओशन हमारा प्लान है ब्लू इकोनॉमी मोदी जी का, उसकी वजह भी ये है कि तमिलनाडु की जो राजनीति है वो काफ़ी श्रीलंका पे मतलब जुड़ा हुआ है ना। जैसे जयललिता जी ने कहा कि जब तक हमारे मछुआरे जो अभी बंदी हैं जब तक वो छोड़ेंगे नहीं, मैत्रीपाला आ ही नहीं सकते हैं। बट ये है कि गनीमत है कि अभी जो सरकार है वो किसी पर निर्भर नहीं है, हालांकि राज्यसभा में है आप जानते हैं, तो एक तरह से बेटर है। पिछले जो यूपीए सरकार थी वो बिल्कुल ही जैसे बहुत बंदिशों में थी, क्योंकि जयललिता या जो भी करुणानिधि जो भी थे उनकी बात माननी पड़ती थी, और उसकी वजह से काफ़ी मामला खराब हुआ था। तो आगे अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से बेटर है, क्योंकि अगले 3 सालों तक तो मोदी जी को किसी कोएलिशन पार्टनर की दरकार नहीं है। तो अभी मौका है कि एक क्लियर पॉलिसी करें, वो भी मैं कहता हूँ मल्टी वेक्टोरल, जो कि सिंहलीज तमिल दोनों को बैलेंस करें। जी, इस खास विषय पर आपने जो है अपने इनपुट्स दिए, समीक्षा की पूरे मामले की, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।